तो अननोन जीनियस की सभी शोर की श्रोती है डेमन वर्ल्ड से, जहाँ पे ये जो लड़का है ना, ये लड़का डेमन लॉर्ड यहाँ पे बन चुका है। आपको याद होगा लास्ट एपिसोड में, मतलब पुराने एपिसोड में डेमन लॉर्ड की जान यहाँ पे निकाल दी गई थी। उसके मरने को देना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डेमन यही बचा है, इसलिए ये नया लॉर्ड यहाँ पे बन चुका था। ये अपने छोटे डेमन को ऑर्डर यहाँ पे देता है कि जाओ और डेमन वर्ल्ड का जो रास्ता है ना कट ऑफ यहाँ पे कर दो, स्टील कर दो, ताकि डेमन वर्ल्ड ना बाकी वर्ल्ड से यहाँ पे अलग हो जाए। जो सुनते छोटा डेमन कहता है क्या नहीं, हम लोग ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, अभी अभी भाई हमारी पावर यहाँ पे रिगेन हुई है और दूसरी दुनिया पे हम कब्जा यहाँ पे कर सकते हैं, ऐसे मगर आप रास्ता कट ऑफ कर देंगे यार, ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। बिल्कुल बोले तो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, ये का तो वही ठीक होगा भाई, हमारे लॉर्ड यहाँ पे मारे जा चुके हैं और भी बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग लोग ना बहुत पहले यहाँ पे मारे जा चुके हैं, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे लोग बचे नहीं है। आगे चल के ये जो क्या बोलते भाई दूसरे लोग आ जाएंगे हमारी दुनिया में और आके हम जो बचे कुछ डेमोन है इनको भी मार डालेंगे, तो भला इसी में कि जो रास्ता है ना वो रास्ता कट ऑफ यहाँ पे कर दो। तो भी वो बंदा कहता है यार तो भी रास्ता कट ऑफ करना, ये डेमोन लॉर्ड चिल्लाता तुम्हारी माँ का तुमको समझ नहीं आता, मैंने बोला कट ऑफ कर दो मतलब कट ऑफ कर दो, मैं नहीं चाहता कोई और बंदा यहाँ पर है। उतने में एक लड़का आता और आता कहते सुनिए यार जो आज सूरा डेमन यहाँ पे था ना, आज सूरा डेमन के लोग आने वाले हैं। तो ये डेमन लॉर्ड भी कहता है क्या वो लोग आने वाले, अबे यार हर जगह से कोई ना कोई आ ही जाता है, रास्ता बंद करो यार। तो उतने में पीछे फीमेल डेमन आती है और आके चिपक जाती है और कहती है निर्दय आदमी इतने निर्दय ने ना बनी है यार, मत कट ऑफ कीजिए, आने जाने का परमिशन दीजिए ना। तो ये दूर जाता है और कहता है यार तू आके ऐसे चिपका मत कर, अच्छा नहीं लगता मुझे। वो भी कहती है भाई डेमन लॉर्ड के मरने के बाद आप डेमन दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डेमन यहाँ पर, तो बधाई हो भाई नए डेमन लॉर्ड बनने के लिए। ये भी कहता हाँ हाँ कोई बड़ी बात यहाँ पर नहीं है, तू क्या मरवाने यहाँ पर आइए। वो कहते अगर आप मारना चाहो मेरी तो मार सकते हो, अभी के लिए मरवाने तो नहीं आई हूँ, बस अभी के लिए मुझे हल्का सा सपोर्ट चाहिए, मुझे गन यहाँ पे दीजिए। गन मतलब एग्जैक्टली शायद उसको गन नहीं चाहिए, उसको बंदे लोग चाहिए और पावर यहाँ पे चाहिए शायद कहीं पर अटैक बोलने के लिए। अब यहाँ पे आते अपने नियाक फेंक की ओर, जहाँ पे नियाक फेंक के पास रहा ढेर सारी लड़कियाँ यहाँ पर आती है, आके चिपक जाती है, अपना प्रोग्राम अपना डांस रहा वो यहाँ पे दिखाते हैं। तो अपने नियाक फेंक भी कहता है यार मैंने तुमको कुछ एक्टर्स कुछ परफॉर्मेंस यहाँ पे बुलाया था, जो आई एम परफॉर्म यहाँ पे करे, पब्लिक को एंटरटेन यहाँ पे करे और तुम लोग इनको यहाँ पे लेकर आए हो। ये लोग कहते हैं हाँ, तो ये डायरेक्ट जाके परफॉर्म करेंगे, तो उससे पहले ना चेक करवाने के लिए हमने बुलवा लिया कि आपके सामने चेक कर ले और फिर जाके यहाँ पे बताया आपको अच्छा नहीं लगा क्या। जो सुंदर ये भी कहता नहीं अच्छी है, अच्छा डांस करिए सुंदर वोनर यहाँ पर है, लेकिन जो प्रोग्राम यहाँ पर है वो अश्लील नहीं है, थोड़ा ज्यादा अश्लील यहाँ पर है ना, फैमिली के साथ यहाँ पे शायद नहीं देख सकते, पीछे से अपना किंग दीवाना हो जाता है। वो कहता अश्लील, अरे बहुत ज्यादा अश्लील यहाँ पर है कि जो मेरे अरमान है ना मेरे अरमान में टंटन आ गए। तो पीछे से रानी कहती है आपके अरमान टंटन आ गए, अपने अरमानों को शांत रखिए, आज टंटन आ गए कल यहाँ पे टूट भी जाएंगे, समझ गए क्या। तभी जो अंडरवर्ल्ड का ये जो आदमी था ना ये भी कहता आप लोग ना भाई परफॉर्मेंस की तैयारी कर रहे हो क्या, हमारे अंडरवर्ल्ड ने भी कमाल का परफॉर्मेंस यहाँ पे तैयार कर लिया है, ये देखिए ये हमारे अंडरवर्ल्ड के कुछ बूथ यहाँ पर हैं, बहुत ही अच्छा डांस करते हैं, बहुत ही अच्छा गाना भी गाते हैं, ये लोग भी अपना प्रोग्राम यहाँ पे दिखा सकते हैं। जो सुंदर नियंग फेंग कहता है क्या ये लोग भूत यहाँ पर है और इंसान को सामने करने वाले, तुम ही सोचो भाई इंसान के सामने आकर भूत डांस करेंगे, कौन इंसान जो कि चुपचाप बैठ कर देखेगा, सब यहाँ पे डर जाएंगे। वो कहता टेंशन मत लो यार अपने, हमारे भूतों के कम यहाँ पे आकर, हमारी भूत किसी से कम नहीं है, चल भूत जल्दी से तू आ गया और तेरे जो स्पेशल टैलेंट नोला टैलेंट वो टैलेंट यहाँ पे दिखा, वो टैलेंट दिखाता अपना मुंडी ना काट के अपने हाथ में निकाल लेता। कहता भू हमारे नियंग फेंग देख के चिल्लाता कि अबे साले ये तो भूत वाला काम यहाँ पे कर रहा है, अपना किंग भी चिल्लाता तो भाई तू ऐसा कांड इंसान के सामने दिखाएगा, अबे सारे इंसान ना डर के मारे वहीं से भाग जाएंगे, निकल यहाँ से तू। तो वो गो सर्वेंट फिर चिल्लाते कि नहीं मुझे एक और मौका यहाँ पे दे दीजिए, मैं और भी अच्छा इंप्रूव कराऊंगा, प्लीज यार एक और मौका दे दीजिए, लेकिन उसको मौका नहीं मिलता और धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाता है। ये जो ड्रैगन यहाँ पर था ना इसी ड्रैगन ने लड़कियों वाला प्रोग्राम यहाँ पे करवाया था, तो नियांग फेंग के तो उसके भूत वाले प्रोग्राम के सामने आपका जो लड़कियों वाला अश्लील प्रोग्राम है ना वो मुझे ज्यादा ठीक लग रहा है। वो भी कहता है यार अश्लील प्रोग्राम किसको देखना पसंद है यहाँ पर, ये लोग बस फैमिली का नाटक करते हैं, फैमिली के सामने देख नहीं सकते, फैमिली के साथ कौन देखने आता है, अकेले में सब एंजॉय करते हैं, समझ रहे हो ना। नियांग फेंग कहता है यार समझ रहा हूँ। उस वक्त राजा रानी से कहता है कि भाई एक बात तो मुझे समझ आ गया कि हम लोग प्रोग्राम क्यों ना कितना बड़ा यहाँ पे कर ले, जो मॉर्टल लोग कुछ ही मॉर्टल लोग बस देखने के लिए आ पाएंगे, उससे ज्यादा कोई आ ही नहीं पाएगा। जो सुनते ये लोग भी कहता है कुछ ही आ पाएंगे, तो आपने ऐसा क्यों बोला, अब क्या ही कर सकते हैं। ये कहता है मेरे दिमाग में एक आइडिया है, अगर हमें टीवी द्वारा टेलीकास्ट यहाँ पे किया ना तो दुनिया के बैठे बैठे किसी भी कोने से लोग ना देख सकते हैं प्रोग्राम और एंजॉय यहाँ पे कर सकते हैं। तो लोग एग्जैक्टली कुछ और ही समझते कि एक समय भाई टीवी इनको समझ आता भी, ओ माई गॉड राइस चिकन डिश अरे, यानी राइस का बना हुआ डिश जिसके बीच में चिकन यहाँ पर होता है और उसे चिकन के बदले ना लोग यहाँ पे देख सकते हैं। हाँ मतलब समझो टीवी जैसे इनके दिमाग में आइडिया वाइडिया पड़ता है। अपने नियांग फेंग कहता है यस भाई टीवी द्वारा हम दुनिया भर के कोने कोने में ना लोगों को प्रोग्राम यहाँ पे दिखाएंगे। तो सामने से किंग भी कहता है यस ये आइडिया, इतने हजारों सालों से प्रोग्राम होता है लेकिन आज तक ये आइडिया किसी और ने नहीं दिया और किसी और ने ट्राई नहीं मारा, हम ये करेंगे। हाँ लेकिन हमको ना यार स्पेसिफिक जगह चूज करनी चाहिए कि यहाँ पे हम लोग टीवी अरेंज करवाएंगे ताकि पब्लिक यहाँ पर आके देख सके, लेकिन कौन से एरिया में। जो सुंदर नियांग फेंग कहता है मुझे याद है मैंने बहुत पहले ना गॉड टेम्पल दुनिया भर के ढेर सारे सिटी में बनवाए थे, हाँ तो गॉड टेम्पल के अंदर ही हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं जिसका कनेक्शन है ना अंडरवर्ल्ड के साथ है। हाँ तो जो
सर्वेंट है ना वो सामने आ जाता है और कहता है भाई डोंट वरी अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन है ना हम यहाँ पे करवा देंगे। नियांग फेंग और किंग के गोटे मुंह में आ जाते हैं कि बाप रे तू यहीं पर है, हमको लगा तुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया हमने। एंड देन ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। देखते भाई प्रोग्राम में कैसा कैसा होता है और ये जो अश्लील प्रोग्राम यहाँ पे था लड़कियों का डांस वापस देखने का मौका मिलेगा क्या। मिलते अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।